सवाल यह भी है कि क्या दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी भी आड़े आती है। ऐसा ना हो इसके लिए P7 एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। आखिर कब तक लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं अपनी चुप्पी तोड़े? हमें मेल करें assignment@pbcl.in। खुद के साथ हुई कोई भी दरिंदगी, ज्यादती के बारे में हमें बताएं assignment@pbcl.in। ऐसे करेंगे हम आपकी मदद। पहचान गुप्त रखते हुए आपकी तकलीफ बयां कर सिस्टम पर दबाव बनाएंगे। इलाके की पुलिस से आपके केस के बारे में जवाब मांगेंगे। आपकी मदद के लिए महिला आयोग पर दबाव बनाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आपकी मदद के लिए राजी करेंगे। और सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां जेएनयू में मौजूद है हमारी सहयोगी स्मृति दुबे। स्मृति, आपके साथ जेएनयू का एक बड़ा तबका मौजूद है, आप कहां मौजूद हैं इस वक्त? जी हम आपको बताना चाहेंगे कि हम इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ वो छात्र मौजूद हैं जो कल से इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि लोगों को किस तरह से जागरूक बनाया जाए। जिस तरह से एक घटना और घटी है दिल्ली जैसे राजधानी में, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाते हुए कि आखिर अब तक जो है दोषियों को सजा नहीं मिल पाई थी, और उसके साथ ही साथ जिस तरह से सवाल निशान लग रहा है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि आज भी लड़कियां घर से निकले और वो भी रात में 8-8:30 बजे के बाद, तो वो कितनी महफूज हैं। इसे लेकर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष वर्ग भी है। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि ये छात्राएं आखिर क्या सोचती हैं महिला सुरक्षा को लेकर। मेरा बस इतना ही कहना है कि हम जब तक पीड़ित को दोषी मानने वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे और अपराधी को अपराधी मानने वाली मानसिकता नहीं पाएंगे, तब तक ऐसी घटनाओं से हम कभी आजाद नहीं। चलिए इसमें भी आपके पास दोबारा लौटूंगी, यही सवाल मैं जानना चाहती हूँ। मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी हुई है निशा खन्ना। निशा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी स्मृति ने बताया, उनके साथ जो छात्रा जुड़ी, उन्होंने कहा कि दो तरीके की मानसिकता सामने आती है। ये जो मानसिकता है ये कहीं ना कहीं हावी होती है जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं? नहीं, इसके लिए ये मानसिकता नहीं है कि हम घर से बाहर ही नहीं निकले। डेफिनेटली जिस इंसान ने रेप किया या जो लोग रेप करते हैं उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। घर से बाहर ना निकलना इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनकी सोच ऐसी है। लेकिन फिर भी आप एक इस चीज को मानेंगे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में अभी भी ऐसे टैबूज हैं, मतलब अभी भी ऐसी चीजें हैं जो एक तरीके से टैग कर दिए जाते हैं लड़कियों के ऊपर। लड़कियां ही ये नहीं कहती हैं कि हाँ लड़की के साथ गलत हुआ है, पर वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हमारी मानसिकता लड़कियों की खुद की भी तो खराब है ना, जो खुद को विक्टिम मानती हैं, जबकि जिस बात में हमारा कसूर ही नहीं है। टू बिहेव हर लाइक ए नॉर्मल पीपल, अगर उसके साथ कोई हादसा हुआ है और उस बंदे को ये बोल दे तुम्हारे साथ हादसा हुआ है, तो डेफिनेटली वो बंदा डिप्रेशन में ही जाएगा। हम लोग बाहर नहीं निकले तो ये इस बात का सलूशन तो है ही नहीं ना बिल्कुल। चलिए, ऐसे किस तरीके की ट्रीटमेंट की जरूरत है हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुनिका लाल भी मौजूद है, मुंबई से जुड़ी है। मुंबई में एक ट्रांजिशन फेज आया है, उस पर आपने कुछ एक एनालिसिस किया होगा या स्टडी की होगी, आखिर क्या वजह रही? बिल्कुल, सबसे पहले तो मुंबई की जो स्ट्रक्चर है, कॉस्मोपॉलिटन स्ट्रक्चर, और जो लोग एकदम बहुत भीड़ है, बहुत बिजी है सब लोग, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जी कि किसी ने उनके साथ छेड़खानी अगर की, सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ, तो उसको नजरअंदाज कर देते हैं पहले, तो वहीं से शुरुआत होती है। इस वजह से, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस स्टेशन जाएंगे फिर कौन 10 बार जाए कंप्लेन करे, तो उस हैरेसमेंट से बचने के लिए अगर आपने किया है तो ये सबसे बड़ी गलती हम औरतें करती हैं, और अक्सर ऐसा होता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में आजकल बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। एक तो आप देखिए, सोशल डिवियंस बहुत हो रहा है। मैं यहाँ पे मुझसे पहले एक महिला ने अभी कुछ कहा था कि हमको एक विक्टिम के साथ जब ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि उसके साथ कुछ अबनॉर्मल हुआ है। बिल्कुल ये गलत धारणा है। आपको उस लेडी को ये समझाना है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसको समझाना है कि अगर तुम ये ऐसा होने दोगी तो ना तो तुम अपनी डिप्रेशन से निकल पाओगी, यू विल ऑलवेज फील विक्टिमाइज्ड। बिल्कुल, सोसाइटी का रवैया और साथ ही साथ जो हमारा शासन और कंप्लेन करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, आपके पास दोबारा लौटते हैं। इट इज प्रपोज टू हैव दिस केस ट्राइड बाय अ फास्ट ट्रैक कोर्ट। लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फर्स्ट वी नीड टू रीअसेस व्हाट आवर जस्टिस लॉज आर। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। दादी,
79 and 80 and one for a good luck. छोड़ अपने गुड लक, इतना सा केर और इतनी सारी कैंडल. दादी अपने सारे कैंडल बुझाने हैं. कम ऑन दादी, दिखा दो अपना पंजाबी डांस. अपनों की खुशी के लिए शगुन के नाम से आप क्या नहीं करते, क्यों ना जन्मदिन पर उनकी सुखी जिंदगी भी इंश्योर करें. फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस, एक शगुन जिंदगी के नाम. पापा की शर्ट राहुल की शान थी, पर जिद्दी दाग इन सब प्रोडक्ट से भी ना निकले, इसलिए मैंने चुना एरल कंप्लीट. इसमें समाई बार ब्रश और ग्लू की शक्ति जिद्दी दाग निकाले, ताकि कपड़ों की नई जैसी चमक रहे बरकरार. एरियल कंप्लीट. विक्स वेपर अप से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में. बच्चों से लेकर बड़ों तक विक्स वेपर अप. पिछले कई सालों से मेडिकल साइंस में हजारों बदलाव आए. इन सब के साथ है एक हेल्दी आदत, जिस पर टिका है हमारा भरोसा. डेटॉल एंटीसेप्टिक, जो हम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, ताकि आपका परिवार रहे हर रोज इन्फेक्शन से सुरक्षित. डेटॉल, बी 100% श्योर. नेवर अंडर एस्टिमेट अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यो टाका इधर बिड़ाए हैं. दो नाव पे पैर रखने वाला डूबता है. Kill him. हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर. घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, अब और अधिक शक्तिशाली. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. एक चाय देना भैया. छोटा बड़ा राम बिहारी, सबको चाहिए प्यार की जोड़ी. सुबह शाम चाय का प्याला, आराम से पियो प्यास बुझा लो. चाय पियो, इंडिया को आगे बढ़ाओ. बोले तो आम एक चाय, रियल लाइफ रियल टी. अरे भैया व्हाइट को ज्यादा व्हाइट बनाने के लिए ज्यादा पैसा लगता है. चौंक गए महाराज. हाँ। ये है टाइट प्लस, जो दे व्हाइट प्लस और फिट हो आपके बजट में. ये धोए आपके दो साधारण पाउडर के पैकेट से बेहतर सिर्फ एक पैकेट में. टाइट प्लस हो तो बजट में व्हाइट प्लस हो. जरूरी है आपकी जबान, आपकी बोली का जिंदा रहना, निडर रहना, भय मुक्त होकर अपने अधिकार के लिए आवाज लगाना. आपकी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी. B7 News, सच जरूरी है. बहरहाल हमारे साथ दो मेहमान हमारे और जुड़ गए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे स्टूडियो में. स्वागत है उषा जी आपका. साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं इस वक्त अधिवक्ता रीता पॉल भी हमारे स्टूडियो में. रीता जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में. नमस्कार. सीधे हम स्मृति आपसे जानना चाहेंगे कि इस ताजा घटनाक्रम पर या कानून में बदलाव की मांग पर किस तरीके की वहाँ पे विचारधारा सामने आ रही है. देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, तो बाकी जगह के बारे में अंदाजा लगाना आसान है. JNU भी हालांकि इससे अछूता नहीं रहा है. क्या कहना चाहेंगे आप? कानून लाने का जो बात करता है सरकार, वो सरकार का रवैया किस तरीके से है ये हमें देखना चाहिए. वो लोग बोलते हैं कि लड़कियां खुद इनवाइट करती हैं रेप को. लड़कियां अगर प्राइवेट बसेस में जा रही है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है. हमारे साथ उषा जी जुड़ी हुई हैं. उषा जी आपने भी अभी सुना कि किस तरीके से बताया, कर्नाटका असेंबली में पॉर्न फिल्म देखी जाती है. यूपी की बात करें तो वहां पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, दहेज की मांग होती है. गुवाहाटी का भी हाल फिलहाल में देखा कि उसमें पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, एक लड़की पे टूट पड़ा, कपड़े तक फाड़ दिए गए. अब ये ताजा घटना कि दिल्ली में बलात्कार हो गया. सवाल है कि कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, सवाल है कि लोगों को, दोषियों को सजा देनी चाहिए, होना ये चाहिए, फलाना होना चाहिए, तमाम मांगे उठती हैं, होता क्यों नहीं है? सभी पार्लियामेंट से लेकर यहां तक आवाज उठेगी, जनता जाग उठेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं होगी, पूरा देश इकट्ठा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. और फिर उसके बाद फिर वही मामला वहीं का वहीं, फिर कोई ना कोई क्रिमिनल कोई ना कोई क्राइम कर बैठेगा किसी महिला के प्रति, फिर ये आवाजें उठेंगी, फिर उसके बाद शांत हो जाएंगी. वैसे ही जैसे पानी में पत्थर मारने से लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वही होगा प्रशासन में या उसके ऊपर जो सत्ताधारी लोगों में. कहीं ना कहीं कुछ सही लोगों का आना जरूरी है, जो कि इसमें नीचे उतर के आए, जनता के बीच पार्लियामेंट में बैठकर चर्चा करने से नहीं होता है, यहाँ आकर महिलाओं को संगठित करके और तब महिलाओं के लिए कुछ करें. रीता जी ये जो कानून की बात होती है, हम बात करते हैं कि कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए,
मतलब 60 साल गुजर गए आजादी के बाद से, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, आखिर ऐसा हाई पॉइंट कब आएगा? ऐसा है तनु जी, ये जो हमारे कानून है, कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है, कोई भी रेप केस हो, इन दीज केसेस, इसमें से ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दे, ऐसे एक वो बनाए जैसे टाडा बनाया था, वैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दे कि इनको जल्दी से स्पीडी ट्रायल हो, एंड दे शुड नॉट गेट बेल, दे शुड बी अंडर द बार्स, उनको जितनी से हार्श एंड हार्श लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दे, सेंटेंस दे दे विद इन 6 months और वन ईयर, वट एवर इट इज, फास्ट ट्रैक में, एंड ही शुड बी पनिश्ड विद डेथ। बिल्कुल, आपने कहा कि कानून बने हुए हैं लेकिन कानून का डर नहीं रह गया, ये बात तो तय है। डेट में बहुत 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 ही जरूरी है, चाइल्ड रेप विक्टिम ज्यादा है, तो ऐसे केस में मानसिकता जिम्मेदार है ना, हम अपने बच्चों को भी सिक्योर करते हैं, औरतों की सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहाँ प्रशासन को क्या करेंगे? मानसिकता के साथ साथ प्रशासन भी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। एक मिनट निशा जी, प्रशासन इसलिए जिम्मेदार है कि जब भी ऐसे रेप केसेस में अगर कोई सशक्त महिला या कोई नहीं जाए तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, और तब तक अगर 3-4 दिन बाद अगर कोई वो लोग आते हैं फिर दिखवाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, तब तक सारे प्रूफ खत्म हो जाते हैं उसके रेप के। प्रशासन की जो भूमिका है एफआईआर दर्ज करना, सपोर्ट करना, जो जिला अस्पताल होते हैं, जो सरकारी अस्पताल होते हैं, वहां तक सपोर्ट भी मिलती है, फैमिली को धमकाया भी जाता है। हाँ, धमकाया क्या, चाकू मार दिया गया है। अभी जो एक विक्टिम थी जिसको कि कोई एफआईआर नहीं लिखा और मुजरिम ने जाकर चाकू मार दिया रेप करने के बाद उसकी नानी और माँ को, और जब उसको दिखवाया हम लोगों ने सरकारी अस्पताल में, तो वो तो पैसा खा के वही लिख देगी जो पुलिस कहेगी, फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने उसकी जांच करवाई, तो 5-6 दिन में यूरिन और वगैरह पास करके सारे प्रूफ खत्म हो जाते हैं। आपने कहा कि कड़े कानून बने हुए हैं, कड़े कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, साथ ही साथ खौफ चला गया है, और जो ये तमाम हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं कि आखिर सोसाइटी में डील करते हैं कि जो एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है, विक्टिम के साथ सपोर्ट नहीं किया जाता, ऐसे में कहां कानून रह जाते हैं और कहां वो प्रशासन की भूमिका रह जाती है? ऐसा है कि प्रशासन की बात अगर करें तो एफआईआर वगैरह तो है, जहां हीनियस क्राइम्स है वहां तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं, नहीं करते, ये है, नहीं कि, ये है कि हमारा प्रोसेस थोड़ा स्लो है। मेरे परिवार में ही ऐसा एक केस हुआ है, जब एक बच्ची का के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसके बाद हमने वो उस आदमी का स्केच बनवाया, पुलिस वालों ने उनको, हमने कहा ये सर्कुलेट कीजिए पूरे पुलिस स्टेशन में, उन्होंने नहीं किया। 8 दिन बाद उसी आदमी ने एक और लड़की का रेप किया और उसके बाद वो पकड़ा गया, क्योंकि इन लोगों ने पूरे पुलिस स्टेशन में वो स्केच फैलाया नहीं, और वो आदमी सीरियल चेन स्नैचर था। और चेन, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी कह रही थी कि हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा, हम सोसाइटी भी तभी स्ट्रांग होगी जब उनको लगेगा कि नहीं पुलिस एक्शन लेगी। अगर सोसाइटी में से कोई उठ के खड़ा हो और कहे कि भाई मैं इस लड़की के साथ खड़ी हूं और मैं इसके साथ लड़ूंगी इस केस के खिलाफ, पता चलो उस इंसान को ये लोग फंसा देते हैं, या उसकी बात उसका एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, या उसको हैरेस करते हैं, ये सब अगर करते रहेंगे तो कोई सोसाइटी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। निशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, मनोवैज्ञानिक के तौर पर आपने ऐसे बहुत सारे केसेस स्टडी किए होंगे जहां पे आप सोसाइटी को देखती होंगे, सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, ये हमारी जड़ों से लेकर हमारी अब तक की मानसिकता है कि ऐसे सारे मामलों में महिलाओं को दोषी करार दो, महिलाओं पर एक टैग लगाओ और अलग हो जाओ। हम बात करते हैं प्रशासन को, मैं 100% जिम्मेदार ठहराती हूँ। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगी, अगर ऐसे लोगों को, रेपिस्ट को सरेआम गोली मार दी जाएगी, तो बंदे को पता चलेगा मुझे ये गुनाह नहीं करना है। मैं शायद ऐसे लोग देखती हूँ, मेरे पास रेप के विक्टिम्स आते हैं, मैरिज काउंसलिंग के दौरान मैं इतने कपल्स को डील करती हूँ, इवन मैं हस्बैंड है जो रेप करते हैं अपनी वाइफ से, उनकी मानसिकता की आप बात क्या करेंगे? हर एक जगह पर ऐसे लोग हैं, तो बेसिकली मानसिकता ऐसी, ऐसे लोग को टारगेट बनाया जाता है। रीता जी, आपका जबकि तमाम किस्म के कानून मौजूद हैं, उसके बावजूद बार बार महिलाओं को अटैक किया जाता है, बदनाम किया जाता है, रेप किया जाता है, सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। हम लोग मैरिटल रेप की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम कह रहे जब एक आम औरत जब जाती है बाहर सब्जी खरीदने या कॉलेज पढ़ने, तो हम मैरिटल रेप की बात नहीं, वो टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। आप लॉयर हैं, आप जानते हैं कि मैरिटल रेप कभी कभी औरतें इसे इस्तेमाल करती हैं। निशा जी, मानसिकता की बात नहीं है, आप मुझे बताइए पंजाब में वो मानसिकता, पंजाब में अभी बच्ची, आप अगर बात करते हैं तो मैं बोलूंगी हम उस चीज को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग हमारे आसपास के सर्कल में हैं। ये सिर्फ मैरिटल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रही हूँ। ये कह रही हूँ कि जब कोई लड़की स्कूल जाती हो या अपने काम से वापस आ रही हो
या कोई महिला सब्जी खरीदने जा रही हो, या अपने दोस्तों के साथ कोई चल के गोलगप्पे खा के वापस आ रही हो, उसके किसी ने छेड़खानी कर दी, इसके बारे में बताइए। तो अवेयरनेस होगी, आपको बात कर रही हूं, अगर अवेयरनेस होगी, महिला अपने बिजी है। बताइए, अभी पंजाब में रिसेंटली जो सांसद या कोई इलेक्टेड लीडर थे जिन्होंने गोली से उड़ा दिया उस बच्चे की, फादर को, क्या उस पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी से किसी ने कोई उन्होंने कोई उसको बर्खास्त किया उस आदमी को? उसको तो बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लीडर्स अगर चुन के आएंगे तो कैसे होगा? वही बात मैं भी करना चाह रही हूँ, एक मिनट लेट मी स्पीक। आपने जब बात स्टेटमेंट भी सुनी, आप मनोवैज्ञानिक कुछ नहीं। नहीं जी, आपको रोक कर जाएंगे, आपको रोक कर। निशा जी एक मिनट, उषा जी कुछ कहना चाह रही हैं। एक मिनट, जब बाकी लीडर ही डरते हैं, जब बाकी लीडर ही डर रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ हम कैसे स्टेटमेंट दें, तो आप सोसाइटी में कैसे जान, बहुत जल्दी से हम आपसे जाना चाहेंगे, मैम लीडर भी हमारे ही चुने हुए ना। निशा की एक मिनट बात सुनिए, सच के रास्ते पे तो हमारा सिस्टम साथ देगा। लीडर भी तो हम लोगों के ही चुने हुए हैं ना, हम ही उन लोगों को बिठाते हैं उस कुर्सी पर। इसका मतलब हम ज्यादा बेवकूफ है, हमें ज्यादा। निशा जी दो मिनट दीजिए। देखिए, अगर शासन व्यवस्था में एक भी व्यक्ति अगर सही ढंग का हो, जिसके आचरण का हम अनुसरण कर सकते हैं, तो प्रशासन भी सही रहेगा। ऊपर से ही सारी जड़ें खराब है। एक भी व्यक्ति ऐसा आप गिना सकते हैं आज जिसके पीछे पूरा देश जा सकता है, जिसमें नेतृत्व की भावना हो, जिसमें त्याग की भावना हो, जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो? उसी बात के कारण आज महिलाओं की ये दशा है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो गई। अगर वो लोग सोचते हैं ये हमारे देश की बेटी है, ये हमारे देश की बहन है, ये हमारा देश रीता, है। रीता जी, आपसे जाना चाहिए, क्या महिलाओं के लिए कोई स्पेशल कानून ऐसा अलग से नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको इन तमाम मामलों में जहां वो स्ट्रांगली खड़े हो सके, अपोज कर सके और अपने लिए आवाज उठा सके, ऐसा कोई कानून बने? अभी ऐसा कानून नहीं है, मगर मुझको लगता है कि सरकार को ये कानून बनाना चाहिए जो इस रेप को कवर करे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस तो बन गई है, पर अब ये जो है रेप को, इसको सरकार को बनाना चाहिए। प्लस उनको पॉलिसीज भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्या या जब भी किसी चीज को, बस वाले को, ट्रक वाले को, या ऑटो वाले को, टैक्सी वाले को वो लाइसेंस देते हैं, दे शुड भी रिस्पॉन्सिबल रखना चाहिए कि अगर कुछ हादसा हुआ ओनर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। नहीं, पूरे देश में ड्राइवर चला गया, कल को उसकी लाइसेंस जब्त हो गई, अब लाइसेंस फिर रिन्यू कराएगा। कि आप अभी हम लोग सब के सोसाइटी को बदलना चाहिए, तो आप जैसी महिलाएं, जब हम जैसी महिलाओं को जोड़िए और भी, और पूरा देश बहरहाल सवाल यही है, अभी भी यही है कि महिलाओं को इकट्ठा होना होगा। मैं आप सबको रोकना चाहूंगी, महिलाओं को इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा, एक तरीके से खड़े होकर अपने अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी। मांग हम बहुत सारी कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कानून बनने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, इंस्टेंट रिएक्शन आते, इस तरीके के डिस्कशन होते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। प्लीज मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर अभी बात कर रही थी कुनिका जी, इनके घर में ये केस हुआ, इन्होंने बोला, इन्होंने एक चीज बोली कि उस व्यक्ति को डेथ विक्टिम नहीं होना चाहिए, उसे फांसी नहीं देनी चाहिए, ऐसे एक घर में ही ऐसा। ये निजी राय हो सकती है, देखिए ये निजी राय हो सकती है, हम कानून की बात कर रहे हैं। बहरहाल वक्त की बहुत कमी है, माफी चाहूंगी मैं आपसे, वक्त की बहुत कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा करने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि दूसरा ऐसा कोई केस ना हो जिस पर हमें दोबारा बैठना पड़े, जिस पर हमें दोबारा इस तरीके की चर्चा करनी चाहिए। आज फिलहाल इतना ही। इट इज प्रपोज टू हैव दिस केस ट्राइड बाय अ फास्ट ट्रैक कोर्ट। लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। First, we need to reassess what our justice laws are. कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द होनी चाहिए।